हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे बड़े ही प्यारे सकेलेंट, जो कि हैंगिंग सकेलेंट है, उसकी बात करेंगे, स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स। तो स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स, इसकी जो शेप है वो टीयर्स की तरह है, तो इसलिए इसे स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स कहा जाता है कि ये इसके ड्रॉप्स की तरह लगती है, टीयर ड्रॉप्स की तरह, तो इसीलिए इसे नाम दिया गया है स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स का। तो अगर आप इसे हैंगिंग में लगाएंगे तो ये इतना ही प्यारा जो प्लांट है कि आपके गार्डन की ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा ये प्लांट। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट्स होते हैं मार्केट में काफ़ी कॉस्टली आते हैं। इनकी जो एक ही जो स्ट्रिंग है, लाइक इतनी स्ट्रिंग है, आपको 100 से 150 तक की मिलेगी। तो वही मेन बात हम प्रोपगेशन की ज़रूर करेंगे कि ये मार्केट से इतने महंगे आते हैं प्लांट्स कि हमें जब हम ले आते हैं तो हमें इन्हें प्रॉपगेट जरूर करना चाहिए। एक से ही कितने प्लांट घर पे ही बना सकते हैं, हमें दोबारा मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्लांट की वाटर की, वाटर रिक्वायरमेंट की, क्योंकि सबसे मेन चीज़ सकेलेंट्स में वाटरिंग की ही ध्यान रखने वाली बात होती है कि सकेलेंट्स में वाटरिंग ज़्यादा कभी नहीं करना, वो मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ। तो देखिए, लाइक इनके जो ये लीव्स है, इसकी लीव्स ही जो इसकी ब्यूटी है, तो इसकी लीव्स में इतना ज़्यादा वाटर है, यू कैन सी कि कितने ज़्यादा इसमें वाटर भरा हुआ है ये सारे लीव्स में। तो इनको सिंपल सी बात है कि वाटरिंग की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है, तो बस वाटर आपको इनको वीक में एक बार ही करना है, या फिर 10 दिन में एक बार कर दीजिए। आप अपना जो है देख लीजिए टेम्परेचर कितना है आपका, क्योंकि हमारे तो अभी जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो वीक में एक बार इनको वाटरिंग करनी ही पड़ती है। तो जब आपको ये लीव्स ऐसे हेल्दी लग रहे हैं तो आपको वाटरिंग नहीं करनी, आपको चेक करना है। वाटरिंग का ध्यान मेन है, और जो सोयल है उनकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि जो वाटर है ना, इससे पूरा ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। इनके जो होल है वो प्रॉपर होने चाहिए कि जब भी आप वाटरिंग कर रहे हो, वाटर, ये नहीं कि आपने वाटर किया और बाहर वो ड्रेन आउट नहीं हुआ। एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट करना काफ़ी ज़रूरी है इनमें, तभी आपका जो प्लांट है सकेलेंट वो हेल्दी रहेगा, क्योंकि उनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम्प्लीट हो जाएगी और एक्सेस वाटर उनमें रुकेगा भी नहीं। तो उसके बाद बात करेंगे सनलाइट की। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे इसको मॉर्निंग की 6 to 7 की सनलाइट मैं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे जो इस बालकनी में 6 से 7 बजे मॉर्निंग की जो सनलाइट बस आती है डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट सनलाइट में ये देखिए कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है, कितने हेल्दी है इसके लीव्स। आप देख सकते हैं कि लीव्स भी हेल्दी हैं, क्योंकि इसको 1 आवर की, समर की भी, मॉर्निंग की 1 आवर की सनलाइट, आप दोपहर में कभी भी सनलाइट में मत रखना, नहीं तो इसके लीव्स से जो बर्न हो जाएंगे। और उसके बाद बात करेंगे हम फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र तो फ्रेंड्स काफ़ी कम देना पड़ता है इनमें, फर्टिलाइज़र की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है। फर्टिलाइज़र आप मंथ में एक बार दे दीजिए, इनके लिए इनफ है। तो ये एक मैंने यहाँ पर भी इसको प्रोपगेट किया हुआ है इसी प्लांट से निकाल के, अभी इसको 1 मंथ हो गया है तकरीबन लगाए हुए मुझे, तो ये भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अभी ये इसकी लीव्स जो है थोड़ी पीछे वाली तो श्रिंक हुई है, बट आगे वाली काफ़ी हेल्दी इसकी ग्रोथ हो रही है, शूटिंग स्टार्ट हो रही है इसकी न्यू। अभी हम करेंगे इसको प्रोपागेट। तो इसी में से मैं एक जो इसकी ब्रांच ले लूँगी, यहाँ से हम एक कटर लेके, कटर हमेशा पहले भी मैंने बोला था कि आपको क्लीन कटर लेना, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। और ये मैंने एक पॉट में सकेलेंट सॉइल मिक्सर ले रखा है, तो इसको इसी में हम लगाएंगे। अभी ये ऐसे एक ब्रांच लेके इसको सॉइल में जस्ट आपको दबा देना है अंदर, और ऊपर से थोड़ी इसकी ऐसी मिट्टी डाल देना। और जैसे ये देखिए, ये इसकी रूट है, इस एरिए को भी हम यहाँ पे इसके अंदर दबा देंगे ताकि ये बुशी बन जाए एक ही पॉट। उसको यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है, जैसे ही ये अंदर को प्रेस नहीं होगी तो आप ऐसे ना एक पिन ले लीजिए, हेयर पिन, हेयर पिन से हम इसको ऐसे इस एरिया को यहाँ पे दबा देंगे कि ये इसकी जो रूट्स यहाँ पे
स्मूथ सॉयल में जाए और यहाँ से और रूट्स बन जाए। और ये हमारा पॉट एक तैयार हो गया है। देखिए अभी इसको शेडी एरिया में रखना 1 वीक तक, उसके बाद हम इसको सनलाइट में रख सकते हैं, वही मॉर्निंग की सनलाइट इसको देनी है। तो ये काफ़ी कॉस्टली प्लांट होते हैं, इसलिए आप ज़रूर इनको जब ले आए, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप लोकल नर्सरी से ले लीजिए, बट इनको प्रोपागेट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। प्रोपागेशन मस्ट है, क्योंकि इससे आपको ये है कि तो आपको बड़ा अच्छा लगता है जब खुद प्रोपागेट करते हैं हम लोग प्लांट्स, और हमारे और प्लांट्स से तैयार हो जाएंगे। और पॉट साइज़ आपको हमेशा ज़्यादा बड़ा नहीं लेना जब आप प्रोपागेट कर रहे हो, छोटा ही लेना, क्योंकि मैंने देखा है छोटे पॉट में रिजल्ट्स बेस्ट होते हैं इनके, बड़े में इतने रिजल्ट अच्छे नहीं देता जितना कि ये छोटे पॉट में रिजल्ट अच्छे देते हैं। तो इनको ऐसे प्रोपागेट करना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।